दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी की छोटी फैमिली कार जिसका नाम है ऑल्टो K10। और दोस्तों अगर आपका बजट है 5 लाख के आसपास का तो ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि दोस्तों 5 लाख के बजट में इससे बढ़िया गाड़ी इंडिया में है ही नहीं। इंडिया की नंबर वन बेस्ट सेलिंग कार है ये। दोस्तों बात करेंगे इसके अपडेट कीमत के बारे में। 2024 के अक्टूबर महीने में अगर आप इसको खरीदते हैं तो क्या कीमत आपको देखने को मिलती है। दोस्तों कैश में जो गवर्नमेंट ने सभी अपडेट कर दी हैं टैक्सेस वगैरह कीमत में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब इसका नया एक्सरूम प्राइस आपको क्या पड़ेगा, एक्सरूम प्राइस पर GST सेस कितना लगता है परसेंटेज में, रजिस्ट्रेशन RTO रोड टैक्स के खर्चे क्या होंगे, इंश्योरेंस में कितना क्लेम मिलेगा आपको थर्ड पार्टी ऑन डैमेज का, फास्टैग और हाइपोथेसिकन के चार्जेस क्या होंगे, ये कैश में ओवरऑल कितने की पड़ेगी। दोस्तों दिवाली ऑफर यानी कि डिस्काउंट ऑफर क्या चल रहे हैं फेस्टिवल महीने में, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस पर जो है कैश डिस्काउंट आपको क्या मिलता है, एक्सचेंज बोनस क्या मिलेगा, कॉरपोरेट बेनिफिट क्या मिलेगा, और जो भाई हमारे फाइनेंस कराना चाहते हैं जिनका बजट कम है उनके लिए मैं आपको बहुत ही कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस का प्लान बताऊंगा जिसमें आप 3 EMI देख पाएंगे। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हमने आपके लिए बनाई है और इस वीडियो को आखिर तक वाच जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के कैश प्राइस डिटेल के बारे में। तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 जो कि हमने इसके LXI ऑप्शनल वेरिएंट लिया है, और बात करेंगे दोस्तों झारखंड के रांची सिटी के प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्सरूम प्राइस अपडेट आपको पड़ेगी अभी के समय में 483,448 रुपये। और इस एक्सरूम के प्राइस में आपकी 28% GST का अमाउंट और 1% सेस का अमाउंट पहले से ही जुड़ा हुआ है। बात करें रजिस्ट्रेशन यानी कि RTO रोड टैक्स के बारे में तो इसके लग जाएंगे आपके टोटल 39,723 रुपये। इंश्योरेंस में आपका अमाउंट बैठेगा 25,022 का, इसमें आपको 3 साल का थर्ड पार्टी क्लेम, 1 साल का ऑन डैमेज क्लेम मिलेगा। फास्टैग हाइपोथेसिकन के आपके मिलाकर बैठते हैं 1,850 रुपये, और ये कैश में पड़ेगी आपको ऑल्टो K10 LXI ऑप्शनल के साथ 5,50,043 की। दोस्तों ये इसकी कैश कीमत यानी कि इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब बात करेंगे डिस्काउंट ऑफर की फेस्टिवल महीने में, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा इस गाड़ी पर 40,000 का, एक्सचेंज बोनस यानी कि पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने पर भी 15,000 की छूट और मिलेगी, और सरकारी नौकरी करने वालों को 3100 रुपये का कॉरपोरेट बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है डिस्काउंट ऑफर। अब बात करते हैं दोस्तों उन भाइयों को जिन भाइयों का बजट कम है, जो हमारे भाई फाइनेंस कराना चाहते हैं कैश में ना खरीद कर, तो अगर आप इसको फाइनेंस यानी कि लोन कराने के लिए इसकी 70,000 की कम से कम डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट निकल के आता है 4,80,043 का। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर 8.95% लगाने पर, जो कि SBI बैंक जो है ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, सबसे कम इंटरेस्ट रेट है यानी कि ब्याज दर है ये इंडिया में SBI की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए, इसी में की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो अगर आप 5 साल 6 साल या 7 साल तक फाइनेंस कराते हैं इस डाउन पेमेंट पर, तो 7 साल के प्लान पर आपकी मंथली किस्त बनती है 7,711 की, 6 साल के प्लान पर आपकी मंथली किस्त निकल के आती है 8,641 की, और 5 साल के प्लान पर आपकी मंथली किस्त निकल के आती है 9,953 की। दोस्तों ये मैंने 70,000 की डाउन पेमेंट पर फाइनेंस का प्लान आपको बताया है। इतनी कम डाउन पेमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपका सिविल स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, नहीं तो आपको ज़्यादा भी डाउन पेमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है। अगर आप ऑलरेडी ज़्यादा करना चाहते हैं डाउन पेमेंट तो आप हमें कमेंट करें, आपके बजट के अनुसार भी मैं आपको फाइनेंस का प्लान सजेस्ट कर दूंगा। और दोस्तों सारी जानकारी है झारखंड के रांची सिटी से, अगर आप कहीं अदर स्टेट अदर सिटी से वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि हर स्टेट में हर सिटी में थोड़ा बहुत दोस्तों प्राइस में फ़र्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो है टैक्सेस अलग अलग होते हैं। तो अपनी शहर की सही कीमत जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और फाइनेंस की डिटेल भी जानने के लिए आप हमें डाउन पेमेंट लिख के कमेंट करें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। किसी भी अन्य गाड़ी की कीमत जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें।